सो गाइज, ये है वो पॉइंट जहाँ से मोती चूर वाला फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है। ये इसका इंक्लाइनिंग पॉइंट है इस फ्लाईओवर का। काफ़ी लंबा फ्लाईओवर बना है ये, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर इसका होगी पूरी लेंथ। और ये हिस्सा इसका जो है, जो कंप्लीट हुआ है अभी, वो मेरे ख्याल से शायद 60-70% ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से अभी जो आप हिस्सा देख रहे हो वो हिस्सा है जो पूरी तरह कंप्लीट है, यानी कि इस पे प्रॉपर तरीके से लेंटर वगैरह डल चुका है। ये इतना लंबा फ्लाईओवर है कि इसको मेरे ख्याल से कई हिस्सों में बनाया गया होगा। एक हिस्सा ये हो गया इसका जो भी हम देख रहे हैं, उसके बाद एक हिस्सा है इसका जो रेलवे क्रॉसिंग के बाद एक ब्रिज आता है सुखी नदी वाला, उसके ऊपर बनाया एक हिस्सा है इसका, और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो इसका हरिद्वार में एंटर होने के बाद शुरू होता है। तो उनमें से जो दो हिस्से हैं, यानी कि एक ये रेलवे क्रॉसिंग से पहले और एक रेलवे क्रॉसिंग और सुखी नदी वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद, वो दोनों हिस्से कंप्लीट हैं। बीच में एक मेन हिस्सा अभी इनकम्प्लीट है जहाँ पे इन्होंने रेलवे अंडरपास बनाना है। तो यहाँ से स्ट्रेट निकल गए फ्लाईओवर और यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है इसका काम। इस पॉइंट पे बीच में एक पिलर है जिसमें अभी काम इनका बाकी है, अभी इनकम्प्लीट है, बट उसके बाद अगले पिलर से ही फिर से जो फ्लाईओवर है वो कंप्लीट दिखता है। अभी वो आपको दिखेगा इस क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद। तो अब टोटल मिला के इस जगह अब 3 ब्रिज हो गए। एक पुराना जिस ब्रिज पे हम जा रहे हैं, दूसरा उसके राइट साइड में है पैरेलल रेलवे ब्रिज, और तीसरा जो है अभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जो बन रहा है वो 6 लेन जो फ्लाईओवर है उसका बीच का जो हिस्सा है वो इस ब्रिज के थ्रू जाता है। तो बिल्कुल राइट साइड में आपको दिख रहा होगा वो, ये हिस्सा इसका बिल्कुल कम्प्लीट है। ये वाला पुराने वाला रोड बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसके बाद राइट वाला जो बिल्कुल नया रोड है सिर्फ वो चलेगा, क्योंकि 6 लेन रोड है, मतलब 6 लेन का है फ्लाईओवर। इस पॉइंट पे इन्होंने बनाना है रेलवे अंडरपास जिसका काम अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत दिखता भी है, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा इस ब्रिज का, इस फ्लाईओवर का अभी बाकी है। इस पॉइंट से यहीं पर बनना है रेलवे अंडरपास, और बाकी जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है यही अब इस पर इनकम्प्लीट रह गया है। उसके अलावा मोतीचूर वाले फ्लाईओवर पे सारा काम कंप्लीट है। बाकी इसके ऊपर चढ़ के नहीं देखा मैंने कि लेंटर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो हो चुका है। अब जैसे मैं अब कह रहा था कि ये 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं काफ़ी क्रॉस कर गया हूँ ये फ्लाईओवर के नीचे नीचे, तो शायद 2 नहीं तो 1.5 किलोमीटर तो होगा ही होगा ये। बहुत ही नीट एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इन्होंने इस फ्लाईओवर का, और जब इसका काम चल रहा था ना उस समय भी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हुई थी, अच्छे तरीके से कंपनी ने काम किया है, कम ही देखने को मिलता है, वरना तो पूरा तहस नहस कर देते हैं आसपास का एरिया। बट जिस समय इस फ्लाईओवर पर काम हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई होंगी। सो गैस, अभी भी ये फ्लाईओवर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब ये वॉल से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब बहुत लंबा फ्लाईओवर है। बाकी जो बीच में ब्रिज है, मतलब इनक्लाइन से इनक्लाइन के बीच का जो हिस्सा, उसे ही ब्रिज बोलेंगे हम, वो हिस्सा भी होगा लगभग 1.5 किलोमीटर का, और सारा मिला के तो 2 किलोमीटर ही लग रहा है मुझे होगा। तो गैस, ये फ्लाईओवर जो है शांति कुंज के पास जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, ये वहाँ पर एंड होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है इस रोड पे, उसके आसपास
या उसके सामने ही शायद। और उसके बाद बाकी जो रोड है वो नॉर्मल फोर लेनिंग है, वो भी देख लेते हैं अभी कितनी तैयार हो गई है, अभी तो फ्लाईओवर ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे है पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे जो है ये रोड फोर लेन हो चुकी है। दोनों साइड इन्होंने इस रोड को सही कर दिया है, मतलब सर्विस लेन को इन्होंने अलग कर दिया है और मेन रोड को अलग कर दिया है। और ये सामने आ गया दूधाधारी चौक, दूधाधारी चौक पे भी एक और फ्लाईओवर बन रहा है सामने, जिसका ब्रिज तो तैयार हो गया है, अब इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों साइड अभी बनने बाकी हैं। पर इसको देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये अभी इसको बनाने के मूड में होंगे भी, लेकिन अगर कुंभ में कंप्लीट होना है तो करना तो पड़ेगा। ये कंडीशन में है फ्लाईओवर इस समय, अब इसका इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों पार्ट भी बनने बाकी हैं, लेंटर भी डलना बाकी है, कुछ भी हुआ नहीं है वैसे इसके ऊपर, ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, तो अगर इतना स्लो चलेगा तो मुश्किल है इसको कंप्लीट होना। यह है दूधाधारी चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका हाल। एंड देन दूधाधारी चौक के बाद बाकी का जो रोड है वो सिंगल है फ़िलहाल, लेकिन रोड एक्वायर किया हुआ है, मतलब लैंड तो एक्वायर की है, अब सिर्फ इनको डिवाइडर बना के और दोनों साइड के रोड्स को सेपरेट करना है, लेफ्ट लेन और राइट लेन, बट अभी हुआ नहीं है, बस सर्विस लेन दोनों साइड बनी हुई है। हो सकता है कि वो फ्लाईओवर जो जिसका डिक्लाइन बनेगा वो कितना आगे बनता है उसकी वजह से रुके होंगे। और यहाँ पर भी एक इस जगह पे शायद कुछ नालों वगैरह का काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो काफ़ी होनी बाकी हैं, हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी डाउट ही है मेरे को। तो अभी इस एरिया को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार काम हुआ ही नहीं आता कुछ, दोनों साइड में रोड तो काफ़ी खाली छूटा हुआ है, लेकिन जैसे पीछे इन्होंने फोर लेन बना दिया है यहाँ भी बना देना चाहिए था, रीज़न क्या है पता नहीं। ये इसके बाद भूपत वाला चौक से यहाँ तो कोई फ्लाईओवर नहीं बनना, यहाँ पे अब हरिद्वार के जितने भी गंगा जी के ऊपर ब्रिज हैं वो शुरू हो जाएंगे, और भूपत वाला चौक क्रॉस करने के बाद जो बीच का लगभग 100-200 मीटर का हिस्सा है वहाँ पे तो ये फोर लेन बहुत पहले ही कर चुके हैं, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है वो हिस्सा, तो ये फोर लेन हो चुका है। गाइस ये गाड़ी वाला जिस जल्दी में है ना, इसको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है अभी, आप देखो इस गाड़ी को कहाँ घुसता है जाके, ये वो घुसा देखो जाके गड्ढे में, एक बार फिर देखो। इसलिए कहते हैं जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सो गाइस ये है रोड जो कि भूपत वाला चौक से लेकर गंगा के जो पहले ब्रिज, यानी कि जहाँ से गंगा का पहला ब्रिज शुरू होता है हरिद्वार में इंटर होके, तो वहाँ तक इन्होंने रोड दोनों साइड चौड़ा कर दिया है और वो ऑपरेटेबल भी है, यानी कि वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है पहला ब्रिज, देखते हैं क्या प्रोग्रेस है इस ब्रिज पे। तो प्रोग्रेस आप देख रहे हो कि यहाँ लेंटर बाकी है और बीच में एक हिस्सा अभी बना ही नहीं है, तो वो बनना बाकी है अभी। उसके अलावा बाकी आधा जो हिस्सा है ब्रिज का उस पर मेरे ख्याल से लेंटर भी कंप्लीट है और पूरा ब्रिज कंप्लीट है, और उसे इन्होंने कनेक्ट भी कर दिया है जो नई रोड अभी इन्होंने बनाई है उससे। तो यानी कि बीच का जो ब्रिज का हिस्सा था उसको छोड़ के वापस से आगे भी फोर लेन कंप्लीट है और ट्रैफिक भी उस पर चल रहा है।
तो गैस उस ब्रिज के बाद जो बाकी की रोड है ये भी इन्होंने 4 लेन कर दी है और ट्रैफिक भी इस पर बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इसके बाद बिल्कुल हरकी पौड़ी के पास का एरिया शुरू हो जाता है। अगेन वीडियो लेंथ 10 मिनट के ऊपर की जा चुकी है, तो बाकी का फिर अगले वीडियो में डालता हूँ। गैस वीडियो लेंथ को 10-12 मिनट से ज़्यादा ऊपर हम नहीं रखेंगे, बट काफ़ी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब रोज़ ही कुछ ना कुछ नया होगा, तो उसको रोज़ कवर करूंगा या फिर हफ्ते में एक बार कवर करके मैं ज़रूर डालूंगा, बट 10-12 मिनट की ही वीडियो डालूंगा ताकि सब लोग इंटरेस्ट से देख चुके हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।